बाहर लोगों को क्या बोलना है, देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेके, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा। भारत पाकिस्तान मैच के बाद ट्रोलिंग पर पूर्व और वर्तमान क्रिकेटर्स ने एक सुर में मोहम्मद शमी का समर्थन किया था। कप्तान विराट कोहली ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने खुलकर शमी का सपोर्ट किया। विराट कोहली ने कहा कि शमी को निशाना बनाना गलत है, खिलाड़ियों को टारगेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मैदान के बाहर वाले ड्रामे पर ध्यान नहीं देते, हमें पता है कैसे एक रहना है। बता दें, भारत न्यूजीलैंड मुकाबले से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं, हमें अपनी ताकत पर फोकस करना है और मैदान पर अपना बेस्ट देना है। उन्होंने यह भी कहा कि हार्दिक पांड्या अब बिल्कुल फिट हैं, अगले मैच के लिए वो तैयार हैं। विराट कोहली ने कहा कि हमें पता है हमारी कहां गलती हुई और एक मैच से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि विश्व कप जीतने के लिए सभी टीमों को हराना जरूरी है, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग बाहर क्या बोलते हैं। ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि हमें अभी क्रिकेट खेलनी है और हमने कई बार वापसी की है, लेकिन जिनमें धैर्य नहीं है वे आलोचना कर रहे हैं। पहले भी हमारी टीम ने कई बार अच्छी वापसी की है। कोहली ने साफ कहा कि देश में टीम इंडिया को लेकर क्या चल रहा है उससे उन्हें और टीम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आप हर मैच जीतने का फोकस रखें। आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आपको किसके अगेंस्ट जीतना है और किसके अगेंस्ट आप हल्का खेल सकते हैं। ऐसा हम लोग नहीं खेलते हैं, कभी हम खेले नहीं है और ना ही आगे खेलेंगे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए, उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। लोग जैसे मैंने बोला क्या बोलते हैं बाहर क्या नहीं बोलते हैं, उससे हमें कुछ मतलब नहीं है। आई नो बहुत सपोर्टिव फैंस हैं हमारे और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो हमारी सिचुएशन को समझते हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी क्रिकेट खेलनी है और जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती है वो लोग हमेशा पैनिक बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और उन लोगों को लगता है कि सब सब खत्म हो गया, और हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर हम लोग बाहर के लोगों की तरह सोचने लगे तो हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहेंगे, और एक रीजन है कि हम लोग उस चीज से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं। चाहे हम हारें चाहे हम जीतें, हमने बार बार कम बैक किया एज ए टीम और हमें किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, नॉट एज इंडिविजुअल्स और नॉट एज ए टीम। सो बाहर लोगों को क्या बोलना है, देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेके, हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा कि लोग कुछ भी बोले हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें एग्जैक्टली पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ सालों।